ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है नष्टो मोहा मोह जीत, पार्ट वन, अव्यक्त वाणी 15 सितंबर 69। अब नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा तब बनेगी जबकि सच्चा स्नेह होगा। जैसे कोई भी चीज़ को आग में डालने के बाद उसका रूप रंग सब बदली हो जाता है, तो जो भी थोड़े आसुरी गुण लोक मर्यादाएं हैं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, उन सबको जलाना है। इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा। तो अपना रंग रूप सब बदलना है। इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। अव्यक्त वाणी 18 सितंबर 69। मोह किस कारण आता है? मोह मेरा से होता है, लेकिन आप सबका वायदा क्या है? शुरू शुरू में आप सब जब आए तो आपका वायदा क्या था? मैं तेरी तो सब कुछ तेरा, पहला वायदा ही यह है। मैं भी तेरी और मेरा सब कुछ भी तेरा। सो फिर भी मेरा कहाँ से आया? तेरे को मेरे से मिला देते हो, इससे क्या सिद्ध हुआ कि पहला वादा ही भूल जाते हो? पहला पहला वायदा ही सब ये कहते हैं, जो कहोगे वो करेंगे, जो खिलाएंगे जहाँ बिठाएंगे। यह जो वायदा है वह वायदा याद है? तो बाप तुमको अव्यक्त वतन में बिठाते हैं, तो आप फिर व्यक्त वतन में क्यों आ जाते हो? वायदा तो ठीक नहीं निभाया। वायदा है जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे। बाप ने तो कहा नहीं है कि व्यक्त वतन में बैठो। व्यक्त में होते अव्यक्त में रहो। पहला पहला पाठ ही भूल जाएंगे तो फिर ट्रेनिंग क्या करेंगे? ट्रेनिंग में पहला पाठ तो पक्का करवाओ। यह याद रखो कि जो वायदा किया है, जिसने मन दे दिया, उसकी अवस्था क्या होगी? मन मनाभव, उसका मन वहाँ ही लगा रहेगा। इस मंत्र को कभी भूलेंगे नहीं। जो मन मनाभव होगा उसमें मोह हो सकता है, तो मोह जीत बनने के लिए अपने वायदे याद करो। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 70। जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोहा बनना। नष्टो मोहा बनना सहज है व मुश्किल है? जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। अव्यक्त वाणी 29 अप्रैल 71। जब सभी कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोहा। जब मोह नष्ट हो जाता है तो बंधन मुक्त बन जाते हैं, और बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। अव्यक्त वाणी 24 मई 72। स्मृति स्वरूप का सुख
व स्मृति स्वरूप की खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका मुख्य कारण क्या है? अभी तक सर्व रूपों से नष्टो मोहा नहीं हुए हो। नष्टो मोहा है तो फिर भले कितनी भी कोशिश करो, लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे। तो पहले नष्टो मोहा कहाँ तक हुए हैं, यह अपने आप को चेक करो। बार बार देह अभिमान में आना यह सिद्ध करता है देह की ममता से परे नहीं हुए हैं व देह के मोह को नष्ट नहीं किया है। नष्ट मोह ना होने कारण समय और शक्तियाँ जो बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो रही हैं उन्हों को भी नष्ट कर देते हो, काम में नहीं लगा सकते हो। मिलती तो सभी को है ना, जब बच्चे बने तो जो भी बाप की प्रॉपर्टी वह वर्षा है उसके अधिकारी बनते हैं। तो सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों का वर्षा मिलता ही है, लेकिन उस सर्व शक्तियों के वर्षे को काम में लगाना और अपने आप को उन्नति में लाना यह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। अव्यक्त वाणी 22 जुलाई 1972। स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टो मोहा हो जाते हैं। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने हो कि अभी विस्मृति स्वरूप हो। स्मृति स्वरूप से विस्मृति में क्यों आ जाते हो? जरूर कोई ना कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है। तो क्या जो बाप से पहला वायदा किया है कि और संग तो एक संग जोड़ेंगे, क्या यह पहला वायदा निभाने नहीं आता है? पहला वायदा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के पूज्य में राज अधिकारी व राजा के संबंध में कैसे आवेंगे? क्या सेकंड जन्म के राज्य में आना है? जो पहला वायदा नष्टो मोहा होने का निभाते हैं वही पहले जन्म के राज में आते हैं। अव्यक्त वाणी 22 जुलाई 1972। जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फौरन ही इसको ठीक कर देते हैं, वैसे ही इस अलौकिक दर्पण में जो वास्तव का स्वरूप है इसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप व व्यर्थ कर्म व संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते, फिर यह मोह रहेगा क्या? और जब नष्टो मोहा हो जाएंगे तो नष्टो मोहा के साथ स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। जैसे बाप के 3 रूप बताते हो वैसे आपके 5 रूप हैं। पहला मैं बच्चा हूँ, दूसरा गॉडली स्टूडेंट हूँ, तीसरा रूहानी यात्री हूँ, चौथा योद्धा हूँ और 5वां ईश्वरीय व खुदाई खिदमतकार हूँ। यह 5 स्वरूप स्मृति में रहे। सवेरे उठने से बाप के साथ रूह रूहान करते होना, बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते होना, तो सवेरे उठने से ही अपना यह स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूँ।
तो फिर गृहस्थी कहाँ से आवेगी? और आत्मा बाप से मिलन मनावे तो मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाए, तो फिर बुद्धि यहाँ वहाँ क्यों जावेगी? इससे सिद्ध है कि अमृत वेले की इस पहले स्वरूप की स्मृति की ही कमजोरी है। इसलिए अपने गिरती कला के रूप स्मृति में आते हैं। ऐसे ही सारे दिन में अगर यह पांचों ही रूप समय प्रति समय भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्ट मोह नहीं हो जाएंगे? इसलिए बताया, मुश्किल का कारण यह है जो शकल को नहीं देखते हो तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो कि इन स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया, रूप बिगड़ तो नहीं गया। देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के लिए नष्ट मोहा हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी 19 सितंबर 72। तो जो बेहद के वैराग वृत्ति में रहने वाले हैं वह कब घबराते हैं? क्या डगमग हो सकते हैं, हिल सकते हैं? कितना भी जोर से हिलावे लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप होते हैं। तो नष्ट मोह स्मृति स्वरूप हो कि थोड़ा बहुत देखकर कुछ अंश मात्र भी स्नेह कहो व मोह कहो, लेकिन स्नेह का स्वरूप क्या होता है इसको तो जानते हो ना। जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसके प्रति सहयोगी बन जाना होता है। बाकी कोई रीति रस्म से स्नेह का रूप प्रकट करना इसको स्नेह कहेंगे व मोह कहेंगे। तो इसमें मधुबन निवासी पास हुए, मधुबन का वायुमंडल, मधुबन निवासियों की वृत्ति, वाइब्रेशन, लाइट हाउस होने कारण चारों ओर एक सेकंड में फैल जाता है। तो ऐसे समझकर हर पार्ट बचाते हो। अव्यक्त वाणी 16 मई 73। गीता के भगवान के द्वारा गीता ज्ञान सुनने के बाद फाइनल स्टेज कौन सी वर्णन करते हो? नष्ट मोहा स्मृतिर लब्धा। भक्त आपकी स्टेज का वर्णन तो करते हैं ना, तो लास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा है? स्मृति स्वरूप किस स्टेज तक बने हो और नष्ट मोहा कहाँ तक बने हो, यही है लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में करने के लिए यही दो शब्द प्रैक्टिकल में लाने हैं। अभी तो सभी पास विद ऑनर बन जाएंगे ना, जबकि फाइनल रिजल्ट से पहले ही क्वेश्चन अनाउंस हो रहा है, फिर भी 108 ही निकलेंगे। इतना मुश्किल है क्या? पहले दिन से यह क्वेश्चन मिलता है, जिस दिन जन्म लिया उस दिन ही लास्ट क्वेश्चन सुनाया जाता है। अभी आप लोग जो श्रेष्ठ आत्माएं बैठे हो वह तो पास होने वाले हो ना। सुनाया था कि पास होने के लिए इस पास शब्द को दूसरे अर्थ से प्रैक्टिकल में लाओ। जो कुछ हुआ वह पास हो गया, जो बीत चुका उसको अगर पास समझकर
चलते चलो तो क्या पास नहीं होंगे। इसी पास शब्द को हिंदी भाषा में प्रयोग करो तो पास अर्थात साथ बाप दादा के पास है। तो इस एक शब्द को तीनों ही रूप से स्मृति में रखो। पास हो गया, पास रहना है और पास होना है। तो रिजल्ट क्या निकलेगी? संगठन की यादगार जो विजयमाला के रूप में गाई हुई है, उसी विजयमाला के मणके अवश्य बन जाएंगे। अवैतवाणी 23 जून 73। फास्ट पुरुषार्थ 1 सेकंड का ही होना चाहिए, क्योंकि सुनाया था कि लास्ट पेपर की जो रिजल्ट आउट होना है, लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा? 1 सेकंड। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है और पेपर भी फिक्स है। पेपर सुनाया था ना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। 1 सेकंड में ऑर्डर हुआ नष्टो मोहा बन जाओ, तो 1 सेकंड में अगर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ना बने, अपने को स्वरूप बनाने अर्थात युद्ध करने में ही समय गंवा दिया और बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगा दिया, तो क्या हो जाएंगे? फेल। तो समय भी 1 सेकंड का मिलना है, यह भी पहले ही सुन रहे हैं, पेपर भी पहले सुन रहे हैं, तो कितने पास होने चाहिए? फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा से अपने को प्रख्यात करो, बाप को प्रख्यात करो अर्थात प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता करो। अव्यक्तवाणी 8 जुलाई 74। नष्टो मोहा बनने के लिए सहज युक्ति कौन सी है? इसके तो अनुभवी हो ना। सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 75। सब स्थूल सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य। ऐसी धरनी बनी है अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करें तो हिलेंगी। जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा, जरा भी उन्हों के प्रति संकल्प नहीं आएगा। ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आए तो नष्टो मोहा है। वह है लौकिक संबंध और यह है सेवा का संबंध। यदि उस संबंध में मोह जाए तो आप लोग वाणी चलाती हो। यह अलौकिक सेवा का संबंध है, इसमें यदि आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेंट्स इस पर वाणी चलाएंगे। तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई ऑर्डर हो तो एवर रेडी है। इस सेंटर की सर्विस अच्छी है तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है। जब सबसे उपराम हो तब बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं। अव्यक्तवाणी 29 मई 77। सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं। मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है। इसी को ही नष्टो मोहा स्टेज कहा जाता है।
स्मृति स्वरूप ना होने का कारण व व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण मेरेपन से नष्ट मोह नहीं है। अव्यक्त वाणी 5th June 77। नष्ट मोह बनने की सहज युक्ति कौन सी है? सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते आपका घर परम धाम है और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि वृक्ष में यह मधुबन आपका घर है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुबन है। यह दोनों ही घर स्मृति में रहे तो नष्ट मोह हो जाएंगे, क्योंकि जब अपना परिवार अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह जाता। अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा। सदैव बुद्धि में रहे सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, ना कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। सब अलौकिक सेवाधारी हैं, कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। यह मेरा लड़का या लड़की है? नहीं, सेवा के निमित्त यह संबंध मिला है। मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ। यह संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्ट मोह हो जाएंगे। नष्ट मोह अर्थात स्मृति स्वरूप है। अव्यक्त वाणी 14th February 78। सदा स्वयं को हर कर्म करते हुए तन के भी धन के भी प्रवृत्ति के भी ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? एक शब्द में कहें ट्रस्टी अर्थात नष्ट मोह, तो सदा देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्ट मोह बनने का सहज साधन क्या हुआ? ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। कल्प पहले के यादगार में भी अर्जुन का जो यादगार दिखाया है उसमें अर्जुन को मुश्किल कब लगा? जब मेरापन आया। मेरा खत्म तो नष्ट मोह अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, यह मेरा मेरी सहज को मुश्किल कर देता है। सहज मार्ग का साधन है नष्ट मोह अर्थात ट्रस्टी। इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ। समझा? अव्यक्त वाणी 1st December 78। निर्मोही हो, नष्ट मोह हो ना, माताओं को विशेष विघन मोह का ही आता है। नष्ट मोह अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। अगर जरा भी मोह चाहे देह के संबंध में है तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी में आ जाते। तीव्र पुरुषार्थी है फर्स्ट नंबर, पुरुषार्थी है सेकंड नंबर। क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत, मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्ट मोह। नष्ट मोह वाले ही विजयमाला के दाने बनते हैं।
मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो सदा विजयी, पास हो या फुल पास हो, पेपर बहुत आएंगे। पेपर आना अर्थात क्लास आगे पढ़ना। अगर इम्तिहान ही ना हो तो क्लास चेंज कैसे होगा? इसलिए फुल पास होना है, ना कि पास होना है। अच्छा, अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 79। जो भी काम हो तो साकार साथी ना याद आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना, ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्टो मोहा है। माताएं सब नष्टो मोहा हो ना, जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किस में मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता। सदा यह याद रखो, जब संबंध नहीं तो मोह कहाँ से आया? मोह का बीज है संबंध। जब बीज को ही कट कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है, दो तरफ है। तो दो तरफ वाले को ना मंजिल मिलती ना किनारा होता, तो ऐसे तो नहीं होना। सब नष्टो मोहा होना, फिर कभी शिकायत नहीं करना कि क्या करें, बंधन है कटता नहीं। जहाँ मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाते, फिर कटता नहीं, मिटता नहीं, यह भाषा खत्म हो जाती। सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते। सदा मन मना भव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 79। माताएं सिर्फ बाप के साथ सर्व संबंध निभाती रहे तो नंबर वन ले सकती हैं। माताएं अगर नष्टो मोहा में पास हो गई तो बहुत आगे नंबर ले सकती हैं। माताओं के लिए यही सब्जेक्ट जरूरी है। बाप दादा माताओं को एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं क्योंकि जानते हैं बहुत भटकी हैं, बहुत दुख देखे हैं। अभी बाप माताओं के पांव दबाते हैं अर्थात सहयोग देते हैं। बाप को बहुत तरस पड़ता है, सारी जीवन गवाई, अभी थोड़े समय में पास हो जाओ। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 79। शक्ति सेना क्या समझती है? सदा एक बाप और आप, तीसरा ना कोई, ऐसी ही रहती हो ना? कोई तीसरी बात याद तो नहीं आती? बस बाप और बच्चा, बाप और मैं, इसी नशे में रहो। शक्ति सेना नष्टो मोहा हो या हद के घर में बच्चों में मोह है, कुछ भी हो जाए लेकिन निर्मोही साक्षी होकर ड्रामा की सीन देखते रहो। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 79। जब सेवा समाप्त हो जाएगी तब सभी मधुबन आ जाएंगे, लेकिन वह भी कौन आएंगे? जो नष्टो मोहा होंगे, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। उस समय टेलीफोन व टेलीग्राम से बुलावा नहीं होगा,
लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर होने से बुलावा पहुंच जाएगा। ऐसी हालतें बनेंगी जो जिस ट्रेन से आपको पहुंचना होगा वही चलेगी, उसके बाद नहीं। अगर लाइन क्लियर होगी तो साधन भी मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इसलिए बहुत काल का निरंतर योग चाहिए। कवच है, कवच वाला सदा सेफ रहता है। सेफ्टी की ड्रेस है ही याद का कवच। अव्यक्त वाणी 10th December 79। बिकुल बजे और भाग आए, ऐसे नष्ट मोहा हो। जरा भी अगर मोह की रग होगी तो 5 मिनट देरी लगाएंगे और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सोचेंगे निकले या ना निकले तो सोच में ही समय निकल जाएगा। इसलिए सदा अपने को चेक करो कि किसी भी प्रकार का देह का संबंध का वैभवों का बंधन तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र। इसको ही कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्थिति। सभी ऐसे हो ना। ओम शांति।